Hi guys, welcome to TISNET 2022 preparation video where we'll be talking about 60 days planning, 50 days workout. So as we discussed in the last video, I have mailed TISS and got reply that आपका जो नोटिफिकेशन है वो मिड ऑफ दिसंबर तक रिलीज होने वाला है, मतलब 15 दिसंबर पकड़ लो. सो 15 दिसंबर से 15 जैन जो टाइमलाइन है वन मंथ का, वो फॉर्म फिलिंग का होगा. सो मोस्टली आपका एग्जाम फैब में जाएगा, जैन में नहीं होगा, राइट. सो मे बी फर्स्ट वीक ऑफ फैब और सेकेंड वीक ऑफ फैब में आपका एग्जाम हो. ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इफ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ डेज, यू लेफ्ट विद एंटायर जैन 30 डेज, 20 डेज रफली लेट्स से इन दिसंबर, और 20 प्लस 30 50 डेज, एंड approximate 10 to 15 days in Feb. So roughly 60 days plus you have in your hand. But yeah, in this video we'll talk about 50 days complete rigorous workout. If you're watching this video little late, 50 days bacha hua hai ya to 40 days bacha hua hai, so accordingly squeeze your preparation. But from now onwards if you will see, so 60 days se zyada bacha hua hai apne paas preparation ko lekar ke. So don't wait ki notification out hoga, then you will start your preparation. Start your preparation now also. You should start your preparation as soon as possible because already काफ़ी कम time बचा हुआ है preparation को लेकर. At Manuver we have launched batches. So if you are targeting for whichever campuses of TISS, Mumbai, Guwahati, Tuljapur, Hyderabad, तो score decide करेगा कौन सा campus, कौन से course के लिए आपको मिलने वाला है. So in case if you want to join us for the express batch and TIS 50 भी एक batch launch हो गई है. To join the batches you can contact our team on this number, and yeah, to join us for the online program mock test, manuveru.com test entrance पर visit कर सकते हो. क्लासरूम कोचिंग ऑल्सो वी हैव लॉन्च, तो अगर फिजिकली विजिट करके यू वॉन्ट टू टेक काउंसलिंग एंड क्लासरूम कोचिंग इफ यू वॉन्ट, देन बोरीवली, दादर एंड वसई, यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर. ओके, नेक्स्ट इज वेरी बिग अनाउंसमेंट विथ रिगार्ड्स टू योर यूट्यूब चैनल, टिस स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल वी हैव लॉन्च, मैनुअर टिस एंट्रेंस चैनल का नाम है. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली सब्सक्राइब दैट चैनल गाइज, बिकॉज उस चैनल पर टिस स्पेसिफिक वीडियोज आने वाले हैं 31 दिसंबर 2021 ऑनवर्ड्स. तो उसके बाद आपको मेन चैनल पर जीके के वीडियोज मिलेंगे. So to get the TIS specific videos, kindly subscribe this channel. Link I have mentioned in the description. Kindly check the description. Alright, so ये video काफ़ी handy होने वाला है. So ये video को काफ़ी अच्छे से देखना, and कुछ नहीं समझेगा तो वापस से rewind करके देख लेना, and share this video to all your friend, those who are targeting for TISNET 2022 or 23. बहुत helpful होने वाला है ये video. ठीक है, तो सबसे पहले preparation wise what you have to do, you have to write mock test. Now most of people will say, sir अभी preparation किया नहीं तो mock कैसे लिखो? Exactly. मॉक लिखोगे तो समझ में आएगा वेर यू स्टैंड टुडे, एंड उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है अपने को. ठीक है, सो ऑन मैनुअर पोर्टल देर आर 25 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट गिवन टू यू विच इज एट पार टू योर एग्जाम. तो डिफिकल्टी लेवल भी काफी डिसेंट है. डेफिनेटली राइट द मॉक टेस्ट एंड लुक एट योर स्कोर एंड अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन. तो मॉक लिखना है पहले, देन अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल वेर यू स्टैंड टुडे एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट योर रिगरस प्रिपरेशन विद द प्रॉपर मेंटरशिप. सो इन योर लाइव क्लास, इवन इफ यू हैव जॉइन द क्लासरूम ऑल्सो, यू विल बी गेटिंग द प्रॉपर मेंटरशिप कि कैसे प्रिपेयर करना है. सो इफ यू वॉचिंग माई दिस वीडियो टुडे, तो आज जाकर के एक मॉक लिखो. अगर ये वीडियो जिस दिन देख रहे हो आप, मॉक तो लिखो यार, मतलब वीक में मैंने बोला हुआ है कि एक मॉक तो डेफिनेटली लिखो. पूरी प्रिपरेशन हो गई है तभी मॉक लिखना चालू करूंगा, ये गलती मत करना, लास्ट तक नहीं होगा प्रिपरेशन. सो मॉक लिखते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, मॉक लिखो, प्रिपरेशन करो. ऑलराइट, सो प्रिपरेशन वाइज दिस शुड बी योर आइडियल फ्लो. अगर जितने लोग का मैथ्स वीक है या इंग्लिश कम्युनिकेशन वाइज प्रॉब्लम है, या तो फिर जीके ऑल टाइम टफ है, जीके तो सबका ही टफ होगा बिकॉज टिस का एग्जाम ही जीके वाला एग्जाम है, राइट. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्क्रैच पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. मैथ्स को लेकर जितने लोग का मैथ्स वीक है, मैंने हर वीडियो में बोला हुआ है बेसिक कैलकुलेशन वाले एरिया पे काम करना है अपने को सबसे पहले, फिर कंसेप्ट वाले पार्ट पे काम करो, आपका थ्योरी ओरिएंटेड जो टॉपिक का जो थ्योरी है उसको, फिर क्वेश्चन हैंडलिंग मतलब इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को जंप करो. सो इन योर मैनुअर बुक देर आर 50 क्वेश्चन गिवन. आउट ऑफ दिस अगर आप 30 क्वेश्चन जो करते हो इजी से मॉडरेट के रेंज में, ये सफिशिएंट है टेस्ट को लेके. बट ये आपको मिनिमम 2 times प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम 3 times. एक बार करके जाओगे तो नहीं होगा. इन एडिशन टू दिस टॉपिक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक, बाकी जो आपके लेक्चर्स में क्वेश्चन होंगे वो आप अच्छे से देखो. सो फर्दर आई विल गिव यू डे वाइज प्लानिंग, हर दिन क्या क्या करना है, और उसके भी पहले प्री वर्क क्या होना चाहिए. मिनिमम आपको 3 hours, मैक्सिमम 5 hours यू हैव टू डिवोट फॉर द प्रिपरेशन. सो वेदर यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और नॉट वर्किंग प्रोफेशनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट या मिनिमम ये आर आपको डिवोट करना पड़ेगा अगर टेस्ट क्रैक करना है इन द ईयर 2022. सो या एट मैनुअर टिस एक्सप्रेस बैच लॉन्च हो गई. इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल तो वीकेंड बैच ज्वाइन कर सकते हो. सो मंडे टू फ्राइडे यू कैन फोकस ऑन योर वर्क एंड सैटरडे संडे टिस को दे दो. एल्स यू आर नॉट वर्किंग प्रोफेशनल देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन वीकेंड बैच. एंड या वीकडे बैच आ रही है आपकी, टिस 50 बैच आ रही है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ दिसंबर. एंड ऑफ दिसंबर का टाइमलाइन लेके चलो ये बैच आने वाली है. सो इफ यू वॉन्ट टू बुक योर सीट यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर.
फॉर द बैचेस। प्लीज एक्सप्रेस बैच स्टार्ट कर दो फटाफट, अभी ये बैच ऑन हो गई है, सो दैट यू शुड नॉट डिले योर प्रिपरेशन। और अगर आप टेस्ट 50 के लिए जाना चाहते हो, यू कैन बुक योर टेस्ट 50 बैच जो वीकडे रहेगी। सो सीट्स आर वेरी लिमिटेड एंड जब तक ये बैच चालू होगी आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका रहेगा, तो इसलिए टेस्ट एक्सप्रेस से चालू कर दो। अगर बाद में प्रिपेयर करना है, यू वांट टू वेट कि भाई टेस्ट नोटिफिकेशन आए तब मैं चालू करना, तो टेस्ट 50 भी आ रही, यू कैन चेक इट आउट दिस बैच ऑल्सो। सो एज आई मेंशन अर्लियर, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 आवर्स वी नीड फॉर दी प्रिपरेशन। तो क्या क्या करना है आपको, पहला तो न्यूज़पेपर रीडिंग, इसमें भी पेज 1 एंड एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज आपका 40-45 मिनट्स मैक्सिमम, 15 मिनट पेज 1, तो रफली 1 आवर यहाँ पे लगेगा आपका। ग्रामर, वोकैब, आरसी, एक आरसी डेली बेसिस पे आपको सॉल्व करनी है विद टाइमर, तो ये करने में आपको रफली 30-40 मिनट्स का टाइम मिनिमम लगेगा। और यह मैनुअल पोर्टल जरा ग्रामर रूल्स का पीडीएफ दिया हुआ है, 100 रूल्स का, एंड जो सारे रूल्स हैं वो एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं, सो काइंडली डाउनलोड दैट पीडीएफ एंड वॉच ऑल द वीडियोस बेस्ड ऑन द ग्रामर। ठीक ना, वो कैब आपका जो न्यूज़पेपर आप रीड करो एडिटोरियल, तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और मैनुअल बुक में जो वो कैब है वो कंप्लीट कर लो। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द वो कैब मीनिंग, 1 लाख के प्लस वो कैब है यार। सो एज ऑफ नाउ फॉर द वो कैब ये दो एरिया पे काम करना है। आरसी आपको डेली बेसिस पर सॉल्व करनी है, मैनुअल के बुक में भी आरसी है। अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्टल पे आपके 400 प्लस क्वेश्चंस का पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करो एंड टाइमर लगा के सॉल्व करो। 4 से 5 मिनट में एक आरसी हो जाना चाहिए अलॉन्ग विथ क्वेश्चन सॉल्विंग, मतलब एक आरसी पढ़ना है और इसके क्वेश्चन भी 4 से 5 होंगे वो सॉल्व करना है। तो मिनिमम 4 से 5 मिनट या मैक्सिमम टफ है तो 6 मिनट 7 मिनट, तो WPS मेजर करो, डब्ल्यू वर्ड पर सेकेंड उसका। उसके बाद है स्टैटिक जीके। अभी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर स्टैटिक जीके करूँ कहाँ से, सो वंस अगेन मैनुअल के पोर्टल पे सारे पीडीएफ्स दिए हुए हैं, वो भी कंसाइज फॉर्मेट में है। या तो आप लूसेंट भी चालू कर सकते हो, बट काफ़ी मोटी बुक है, तो उतना पूरा अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड। बट इन एडिशन टू दैट आई सजेस्ट कि लूसेंट और मैनुअल का ये जो स्टैटिक का बुक है और जो हैंडआउट्स है, इतना कर लोगे तो स्टैटिक में प्रो हो जाओगे आप। आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 50% क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन आपके जीके के जो होंगे वो स्टैटिक से होंगे। तो 1 आवर फॉर द जीके, तो रफली 3 घंटे अपने यहाँ चले गए। ठीक है, अभी मैंने मैथ्स और लॉजिक के बारे में कोई बात नहीं की है, एंड इंग्लिश को लेके ग्रामर वो क्या आरसी होगा, तो मेजर चंक्स आपका प्रिपरेशन हो गया। रीड आप कर रहे हो तो यहाँ से इंग्लिश भी इंप्रूव हो रहा है एंड जीके भी इंप्रूव हो रहा है आपका। अभी इंग्लिश के वीडियोज़ को आप वीकेंड में देख के एक एक टॉपिक खत्म करो, बाकी जो आपके लेक्चर्स होंगे उससे वो सफिशेंट है। और आपको थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश को लेके। इंग्लिश में अगर आपका रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, ग्रामर रूल अच्छा है, तो स्कोर बनेगा अपना। नाउ व्हेन इट्स कम टू मैथ्स, तो मैथ्स को मैं मंडे टू फ्राइडे के बीच में डिवाइड करूंगा और उसके बाद सैटरडे एंड संडे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ मैं, काइंडली जॉट इट डाउन, ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। मंडे टू फ्राइडे के बीच में अपने को एक वीक में 3 टॉपिक मैथ्स के कंप्लीट करने हैं, 2 टॉपिक लॉजिक के, वो मैं आगे टाइम टेबल आपको दूंगा। तो 3 टॉपिक मैथ्स के करने के लिए रिग्रेस प्रैक्टिस जो है वो सैटरडे संडे अपन करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास वीकडे में टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप प्रैक्टिस करो। बट अगर वीकडे में टाइम नहीं तो सैटरडे संडे तो अपने को टाइम देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। तो जो टॉपिक आप प्रैक्टिस करने वाले हो, फॉर एग्जांपल रेशो करने वाले हो, परसेंटेज करने वाले हो सैटरडे संडे, मंडे टू फ्राइडे के बीच में उसका थियरी, उसका वीडियो और उसके 5 से 10 क्वेश्चन ईजी वाले वो सॉल्व करके खत्म करो। मतलब वीकेंड तक आपके पास खाली 15-20 क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक को लेकर, जो आराम से यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो बुक के पीछे सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर आपने लाइव क्लास या तो क्लासरूम ज्वाइन किया तो आप फैकल्टी से डाउट भी पूछ सकते हो और आपका डाउट पोस्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। सो मोस्टली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तब आप ग्रामर रूल कर सकते हो, जीके कर सकते हो, या ट्रैवलिंग टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो। ट्राई करो कि हैंडआउट्स बना के रखो और हाईलाइट करके रखो, लास्ट मंथ पे रिवीजन के लिए यार बहुत सही काम करता है ये। मोबाइल पे सिर्फ हाईलाइट करोगे तो डिफिकल्ट होता है, अगर आपने हार्ड कॉपी ली है उसको मार्कर से हाईलाइट किया तो काफ़ी डिसेंट होता है, याद रहता है डेटा, बिकॉज यू विल बी लर्निंग मेनी थिंग्स स्टैटिक में, बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, तो सब याद रखना मुश्किल है। ठीक है, स्टैटिक जीके में जो मैंने बोला आपको, आपको क्या करना है, इसमें एक वीक का टारगेट लेना है। 1 वीक के अंदर मैं एक सब्जेक्ट खत्म करूँगा, लेट्स से हिस्ट्री करूँगा, उसके बाद मैं ज्योग्राफी करूँगा, फिर पॉलिटी करूँगा। तो ये सारे पीडीएफ आपके पोर्टल पे दिए हुए, डाउनलोड करो एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू इट। देन ऑल्सो मेनी स्टूडेंट्स आज के सर इतना सफिशेंट है क्या यार, जीके में तो कुछ भी सफिशेंट नहीं है। आप लूसेंट भी करके बोलोगे मेरा स्टैटिक जीके बहुत अच्छा है तो नहीं बोल सकते वैसा। ठीक है, तो लूसेंट करो, मैनुअल का जो बुक है स्टैटिक का वो भी काफ़ी डिसेंट बुक है, उसको कंप्लीट करो। और हैंडआउट्स तो मस्ट है यार, हैंडआउट्स तो करना है अपने को जीके का। और राइट नाउ नेक्स्ट इज डे वाइज प्लानिंग, सो काइंडली मेक द नोट ऑफ दिस, पॉज द वीडियो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये डे में आपको स्टार्ट करना है, डे 1 में स्पीड मैथ्स, ग्रामर रूल, जैन मंथ का पीडीएफ पढ़ना है आपको, प्लस वीडियो देखना है। ठीक है, तो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, 4 वीडियोज़ है वीक वाइज। सो एक हफ्ते के अंदर अपने को जनवरी का भी वीडियो देखना है और फरवरी का भी वीडियो देखना है और उसके पीडीएफ भी ख़त्म करना है। तो क्या करना है, वीक 1 पढ़ो,
वीक वन का वीडियो देखो, वीक टू पढ़ो, वीक थ्री का वीडियो देखो, तो एक दिन आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो जिस दिन लाइट सब्जेक्ट है या तो लग रहा है कि आज टाइम ज़्यादा है, तो उस दिन आपको मैनेज करना है उसको। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज जीके। एक फुल लेंथ मॉक से तो चालू करना ही अपने को, वीक में एक मॉक लिखना ही आपको विदाउट फेल। वंस जनवरी विल स्टार्ट तो दो मॉक वीक का कर देना, अभी के लिए दिसंबर के लिए एक वीक रखो आप। स्पीड मैथ्स, मैथ्स से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, तो 7 डेज के अंदर 3 चैप्टर मैथ्स के। लॉजिक मैंने अभी कुछ भी नहीं बोला करने के लिए, इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर रूल, उसके बाद आपका जीके हो गया एंड मॉक, ये फर्स्ट 7 डेज। उसके बाद नेक्स्ट 14 डेज की प्लानिंग में 3 सब्जेक्ट आपके मैथ्स के, फिर नंबर लेटर सीरीज, कोडिंग डीकोडिंग, फिर इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर रूल अगर आपने कर लिया तो यहाँ पे अपने जो 5+ क्वेश्चन आने वाले वो आराम से बनेंगे। फिर मार्च अप्रैल का जीके मॉक फिर से लिखना है अपने को। मैंने 2 मॉक रखा हुआ है, अगर 2 मॉक लिखते हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आपके पोर्टल पे 25 मॉक टेस्ट है, 2500 क्वेश्चन आप खाली मॉक से प्रैक्टिस करने वाले हो। मतलब इतना करने के बाद आई डोंट थिंक कि 80+ के नीचे अपने को सोचना है, अपना टारगेट 80+ ही रखना है आउट ऑफ 100। हाई टारगेट लेके चलेंगे देन विल बी नियर टू आर टारगेट, 70+75+ तभी आएगा आपका। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड मेक द नोट ऑफ दिस डे वाइज प्लानिंग। उसके बाद आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रैंकिंग, डायरेक्शन, इंग्लिश से ये टॉपिक करना है, जीके हो गया आपका, फिर से मॉक। लाइकवाइज आपका 4th वीक में ज्योमेट्री मैंने खाली रखा है मेंसुरेशन, बिकॉज यहाँ से 8+ क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से बनने वाले, 7 to 8 क्वेश्चन। तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन सिर्फ 2 टॉपिक मैथ से करने, इनइक्वालिटी, सिलॉग, ईडियम्स, फ्रेजेस, वो कैप पे तो डे 1 से काम करना है वो। देन जुलाई मंथ, अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स, फुल लेंथ मॉक, ठीक है। अभी स्टैटिक तो कर ही रहे हो आप, बट करंट अफेयर्स भी आपके ये डेली रूटीन में होना चाहिए, इससे दोनों जीके प्रिपेयर हो रहा है आपका। 5th वीक में आपको नंबर सिस्टम पे सिर्फ काम करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन, जहाँ से 6 क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस, क्रिटिकल रीजनिंग, रिविजन। इंग्लिश का सिलेबस मोस्टली खत्म हो जाएगा आपका 5th वीक में, तो उसके बाद आप ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो अदर एरिया पे। आफ्टर दिस मच ऑफ प्रिपरेशन आपको एक चीज़ तो समझ में आएगी कि कोई तो एक सेक्शन मेरा है जो बहुत स्ट्रांग है, तो वहाँ पे अपना टाइम कम लगेगा, तो वीक एरिया पे ज़्यादा काम करना है। तो सितंबर अक्टूबर फिर से जीके मॉक, एंड लाइकवाइज आपका 7th वीक में कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन प्रोबेबिलिटी, लॉजिक, इंग्लिश के लिए फिर से रिविजन, जीके मॉक। आफ्टर दिन सिलेबस इज डन, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, तो फुल फ्लेज में मॉक लिखेंगे अपन, रिविजन करेंगे, टाइम मैनेजमेंट। सो बिफोर योर एग्जाम योर सिलेबस गेट्स ओवर, चाहे आपने लाइव क्लास ज्वाइन किया है, चाहे क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, आपका एग्जाम के पहले सिलेबस खत्म होना है और आपको मॉक पे वर्कआउट करते रहना है। वंस अगेन दिस इज माई रिक्वेस्ट कि मॉक लास्ट में लिखूंगा ये मत करना, अलॉन्ग विद योर प्रिपरेशन इन अ वीक मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 मॉक लिखना चालू कर दो। इफ यू हैव डन विद योर प्रिपरेशन वेल एंड गुड, तो मॉक पे काम करना चालू कर दो। सो टिस एक्सप्रेस टिस 50 2022 एंड फॉर द ईयर 2023। सो एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव वांट टू स्टार्ट दियर टिसनेट 2023 प्रिपरेशन, तो उसके भी बैच लॉन्च हो गई है। वंस अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर, सेंटर के लिए इस पे कॉल कर सकते हो। एंड या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नया चैनल आ रहा है मेनू है टेस्ट एंट्रेंस, ऑल द सोशल मीडिया लिंक वी हैव गिवन। यार इंस्टाग्राम तो फॉलो ही कर लो, यहाँ पे आपको टॉपर्स के पॉडकास्ट भी मिलेंगे, यूट्यूब पे भी पॉडकास्ट मिलेंगे, अपडेट्स जीके को लेके, नोटिफिकेशन, टेलीग्राम, फेसबुक, तो सोशल मीडिया के लिंक मैंने सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड या इन केस इफ यू वांट टू जॉइन अस ओनली फॉर द बुक्स, मॉक टेस्ट या ऑनलाइन प्रोग्राम, सो दैट लिंक आल्सो आई हैव मेंशन्ड द डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।